हाय गाइस, हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सब कैसे क्या? मैं बहुत अच्छी हूँ। आयान बस आ गए ना, तुम बस तुम आ गए ना। और बताओ अपना नाम, बता दो। मेरा नाम है नो। और आपने मुझे गोवा ब्लॉग में देखा होगा। डैडी अनम मुझे पूरा पूरा कॉपी करती है। जब मैं डांस करती हूँ, मैं जो भी करती हूँ अनम वो करती है ना। अनम अब तुम दूर रहो मेरे टेबल से यार। हाँ मैं बना रही हूँ गाइस व्लॉग, मैं बना रही हूँ। और यहाँ वाला व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना है एक्चुअली, बहुत ज्यादा। हम लोग सुबह निकले थे घर से करीब 9 बजे और हम लोग आराम करने हम लोग को मिला है रात में 10-10:30 बजे। हम लोग पहुंच तो गए थे, कितना 2.5 घंटे में पहुंच गए थे ना रेडी। और तो भी बताइए हम लोग क्या कर रहे थे इतना टाइम। आप प्लीज गेस करके बताओ कि हम मुंबई से पहुंच तो गए यहाँ पे 2.5 घंटे में, लेकिन उसके बाद हम लोग क्यों 10 बजे रेस्ट कर पाए। गाइस मैं लोनावला में हूँ अभी। इनफैक्ट आज मेरा 3rd डे है, मैं 3 दिन से लोनावला में हूँ। जन्नो इस ड्रेस में पिक ली हो ना। अरे क्या है, क्या लड़की क्या है? हाँ ये ड्रेस मैंने पिक्चर लिया और बहुत मुश्किल से मिला है पिक्चर, क्योंकि पता है यहाँ पे एक तो इतनी बिजली चमक रही है, इतनी ज्यादा बिजली चमक रही है। और हम लोग फोटो बस ले ही रहे थे और भाग के कि जल्दी बारिश होने वाली है और बिजली इतनी तेज चमक रही थी। दूसरा व्लॉग कब आएगा? दूसरा व्लॉग गाइस एक्चुअली हटाना है, मैं हटा चुकी। वालेकुम सलाम गाइस, व्हाट्सअप। चलो हम ऐड करते हैं। अनम देखो जल्दी, कौन है ये? दूसरा व्लॉग इसका ही आएगा। नहीं ये आएगा, नहीं तो वो आएगा। या तो मैंने दिल्ली में भी व्लॉग बनाया था जब मैं भी गई थी रिसेंटली, तो या तो दिल्ली व्लॉग आई थिंक पहले आएगा और उसके बाद ये लोनावला व्लॉग आएगा। लेकिन लोनावला व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब आप लोग को मजा आएगा क्योंकि मुझे शूट करने में बहुत मजा आया। मेरा लाइव चल रहा है उधर ना, आवाज आ रही है मुझे। प्लीज वी आर एक्टिव ऑन योर व्लॉग्स। ओके तो आपने देखा होगा मैं लाइक भी 3-3 वीडियोज ऐसे बैक टू बैक अपने यूट्यूब पे पोस्ट की है। सो आई एम ट्राइंग हार्ड टू बी एक्टिव ऑन यूट्यूब ऑल्सो एंड ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड आई विल बी एक्टिव। नाउ नो एक्सक्यूजेस ऑफ मी बींग लो और नॉट फीलिंग लाइक पोस्टिंग और एनीथिंग, नो एक्सक्यूजेस फ्रॉम नाउ। आई विल बी एक्टिव इंशाल्लाह, लाइक मी। फिलहाल मैं रूम में हूँ क्योंकि बाहर बारिश और बादल तो बहुत ही तेज गरज है। आपके बाल इतने लंबे कैसे, कहाँ है? लंबे थे मेरे, अच्छे खासे लंबे थे पहले तो, 2 साल पहले तक के मेरे बाल इतने थे। तो आशिकी के टाइम मेरे बाल बहुत लंबे और घने भी हुआ करते थे। फिर मैंने जब शो खत्म हुआ तो अपने बाल छोटे करवाए,
फिर अभी जो लॉकडाउन में मेरे बाल फिर से बढ़ गए थे अच्छे खासे और फिर छोटे कराए थे और अभी एक महीने पहले ही दोबारा कटवाए हैं, तो ये बाल तो मेरे लंबे नहीं है फिर भी ठीक है। निराज इंगल फेवरेट वेब सीरीज, सो आई तो मैं टीवीडी ही एक ऐसी वेब सीरीज है मनी हाइस्ट। एक्चुअली मैंने सिर्फ दो ही ऐसी वेब सीरीज हैं, नहीं एक्चुअली एमिली इन पेरिस भी देखी अभी के अभी, बस तीन ही ऐसी वेब सीरीज हैं जो मैंने शुरू करके खत्म की। अदरवाइज आई एम नॉट अ वेब सीरीज पर्सन, आई डोंट लाइक वेब सीरीज बिकॉज यू नो मूवी स्टार्ट होती है खत्म हो जाती है, इंटरेस्ट बन जाता है दो घंटे में खत्म। वेब सीरीज में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं बनता है, मैं इतना ट्राई करती हूँ कि चलो ऑन किया तो अब मैं देखूंगी एक दो एपिसोड देखूंगी इंटरेस्ट बनाऊं बनाऊं, बट हो ही नहीं पाता है, मुझे पसंद ही नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस आई थिंक वही द वैम्पायर डायरीज वही एक है जिसको जो सबसे पहली वेब सीरीज थी जिसको मैंने देखा था और वो पहली मैंने देखी थी और मुझे बहुत मजा आया और मैं वो दोबारा से पूरी देख सकती हूँ। अरे मुझे बैठने दो ना यार, उधर जाओ दो ना, मुझे बहुत झुकना पड़ रहा है। बैठ के बात करती हूं, हाँ वही बोल रही हूँ, चलिए मन झुकी। और तुम्हारा हाथ दुखेगा, रखो उधर ही। नहीं मेरा हाथ दुखेगा, मैं चेयर नहीं दे रहा, मेरा पैर दुख रहा है। अरे तो ऐसे कि एक ही जगह है ना, बैठ हाँ बैठ, चलिए अभी आप बैठिए मैं मसाज करता हूँ। आ मसाज प्यार से, प्यार आराम से ही कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? मसाज तो ऐसे करो ना। नहीं उसके लिए ये देख रहे मेरे सर पे क्या लाइट आ रही है। उसके लिए 4000 ये फ्री वाली है ना? ये फ्री वाली है, वरना ये मेरा मसाज करने के पैसे लेता है यार। कितने लेता हूँ एक घंटे की मसाज? एक घंटे का 4000 लेता है। क्या लाइफ में जाके होती है। एक बार याद है मैंने स्टोरी भी डाली थी यार, मेरे पैर दबा रहा था और वो बोल रहा था कितनी गलत बात है ये बहन की सेवा करने के पैसे। नहीं लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट्री भी है ना मसाज, एक मसाज कॉम्प्लीमेंट्री वाली भी है। आ कॉम्प्लीमेंट्री है ये कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा जिस जिसको ऐड होना है वो कमेंट करे तो मैं कमेंट में से ऐड करती हूँ। ये फैन पेजेस अनेबल टू जॉइन की बताते हैं, पता नहीं यार सब अनेबल फैन पेजेस। सेटिंग्स में जाके सेटिंग्स चेंज कर दे कृपया कोई, यार ये लाइट बहुत अजीब आ रही है मेरे सर पे, मेरे बाल बहुत अजीब लग रहे हैं, मुझे शिफ्ट करो अंदर लेफ्ट में। बस अब नहीं चाहिए लाइट और, बहुत फनी लग रही थी। आपको सेट करा अयान, अयान ज्यादा हो रहा है, हम भी मैं भी बोलते ही वाली आप लोगों के सामने। आपने सुना यार को डांट कैसे पड़ती? गया रूम छोड़ के गया वो। चलो अब ऐड करते हैं। मेरी मम्मी के हवाइयां उड़ी हुई थी अब तक के और डर के दुआ पढ़ पढ़ के सो गई। वो बता रही है कि मम्मी डरी हुई है। अरे यार मुझे नहीं दिख रहे कोई ऐसे ढंग के कमेंट एडमी वाले, जल्दी से भेजो। Hi Neelam, please tell my name. Hi Neelam. Please tell, were you there in Best of Luck Nikki? Yes, I was there in Best of Luck Nikki. और मैं बहुत छोटी थी। अभी लाइन जाके बोले 50,000 लोग देख रहे हैं। बोलो मैं एक बात बताने आया हूँ। चश्मा पावर है कभी मत सोच। थैंक यू गाइस जो भी मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। जन्नत एक स्टोरी, जन्नत एक स्टोरी जब बनाते रहेगी मैं व्लॉग में बोलूंगा ताकि मिलियंस के पास पता चल जाए। यही बोल रही थी कि जन्नत एक बनाते रहेगी वीडियोस ना बोल। मैंने भेजा तो रिप्लाई, लेट्स सी आपका न्यू सॉन्ग कब आया। जल्दी आया इंशाल्लाह। ओह
जिसको ऐड किया था उसने डिक्लाइन कर दिया। एक साल से चल रही है तो क्योंकि एक ही जगह बैठते रहता था। मुझे बता देना पावर वाला है एक जन्नत वीडियो बनाते रही तो बोल देना। मैं जिसको ऐड कर रही हूँ डिक्लाइन क्यों कर रहे हो? मैंने अपने स्टाइल में बनवाया तो ये बताओ। ये अब दिख रहा है यहाँ पे जन्नत अंडरस्कोर क्लोजेट, जन्नत एक्स हेवन, जन्नत अंडरस्कोर माय दुनिया, जन्नत 5798। लेकिन ये लोग अनेबल टू ज्वाइन है। व्हाई? आई रियली वांट टू नो व्हाई। ये I don't understand why I can't add my family. ये पीछे कौन है? ये ऐसे ही वो लगा है, पिक्चर लगाई किसी का, I have no idea, जिसको जिसके वजह से मैं first night यहाँ पे बहुत डर डर के सोई थी। मैं जैसे आँख खोल रही थी मुझे उनका फेस दिख रहा था बार बार, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था। Okay, so I'm going live with somebody now. Let's see if she accepts it. गाइस कोई लाइव आना ही नहीं चाह रहा है, सब तो डिक्लाइन कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं अब, मैं ऐड नहीं कर सकती किसी को। ऐड करो तुमको ओहो। अब मैं किसी को रिक्वेस्ट क्यों नहीं भेज पा रही? मेरा हैंड फ्री इतनी बुरी तरह से उलझ चुका है कि ये खुल ही नहीं रहा है। आपको पता है गाइस, मैं रोज अपना हैंड फ्री यूज करती हूँ, मैं अपने हैंड फ्री के बिना कहीं भी नहीं जाती। लेकिन मेरा हैंड फ्री, हाय, Hey, what's up?